मेरा नाम प्रशांत शाह, मेरा जो फार्म है चिकू नारियल आम का फार्म है वाकी बामनपाड़ा धानू में सिचुएटेड है और डिस्ट्रिक्ट पालघर महाराष्ट्र। मैंने ये जो यहाँ पे आप देख रहे हो ये जो फेंस लगाया हुआ है वो A1 फेंस कंपनी का बार्ब्ड वायर फेंस है। ये अभी 15 दिन हुआ है, ये 15 दिन से काम चल रहा है और क्योंकि मैंने जैसे बताया कि इसके पोल डिटोरिएट हो गए थे, हुक सड़ गए थे, पर मेरा हनीकॉम जाली वैसे का वैसा था, तो ये सिर्फ चेंज करने के लिए मैंने सीमेंट पोल नए डाले हुए हैं। आप देख सकते हो उसको नया पेंट भी लगा हुआ है, नए पोल है और ये वायर भी नया हुआ है और हनीकॉम जाली वैसे का वैसा मैंने बंडल उठा के रख दिया है, तो उसको मैं वापस रीयूज करूँगा। बार्ब्ड वायर इसलिए लिया हुआ है क्योंकि A1 फेंस का ये अभी जो बार्ब्ड वायर है उन्होंने हाई स्टैंडर्ड स्टील है, टेंस स्टील है और इसका पतला थिकनेस है जिसकी वजह से ये किलो में ज़्यादा लंबाई खींचता है। बोले तो उनका 14.62 का कुछ बंडल है, 65 का, 14.65 केजी का, तो उसमें 815 रनिंग फिट कवर होता है। दिस इज द लॉन्गेस्ट डिस्टेंस इन द होल मार्केट सेक्टर यू कैन से। मतलब जब तक मैंने जितना स्टडी किया है उसके हिसाब से अलग अलग कंपनी का मैंने फेंस का वायर या जाली यूज़ किया हुआ है, तो ये जो बार्ब्ड वायर का पर्टिकुलर ये जो लेंथ है या थिकनेस है वो थिकनेस के हिसाब से इतना लेंथ किसी भी कंपनी का नहीं है। किसान भाइयों को मैं बताना चाहूँगा कि ये PVC कोटेड जाली मैंने 2016 में ली थी और उसके साथ में ये बार्ब्ड वायर जो है वो दूसरे कंपनी की ली थी, तो 7 साल में ये बार्ब्ड वायर सड़ गई इसलिए मैंने वापस ये नई तार बार्ब्ड वायर नया डाल दिया, पर ये जाली 2016 का है। तो 2016 का जाली हमारे यहाँ बारिश 100 इंच के ऊपर होती है हर साल, तो इसकी वजह से पानी ज़्यादा रहता है। तो PVC कोटिंग का फ़ायदा यहाँ रहता है कि जहाँ ज़्यादा बारिश हो तो PVC कोटिंग की वजह से अंदर पानी नहीं जाता है, तार पे पानी नहीं लगता है, इसकी वजह से इसकी उम्र ज़्यादा रहती है। यानी जहाँ बारिश ज़्यादा रहती है वहाँ सड़ने का चांस जहाँ बढ़ जाता है, तो ये PVC कोटिंग की वजह से वो सड़ना के जो समय है वो समय दूर चला जाता है क्योंकि पानी अंदर जाता ही नहीं है, पानी तार को लगता ही नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ी खासियत है और ये अच्छा इनोवेशन है, इनकी टेक्नोलॉजी बहुत बढ़िया है। पूरा का पूरा 4 mm तार के ऊपर जो 1 या 2 mm का PVC कोटिंग रहता है अच्छी क्वालिटी का, और ये जो भी UV ट्रीटेड रहता है, तो UV ट्रीटेड होने की वजह से इसकी लाइफ काफ़ी अच्छी रहती है। तो ये 2016 की परचेज की हुई जाली आप भी आप देख सकते हो, इसकी स्ट्रेंथ अभी भी उतनी अच्छी है, बहुत बेहतरीन है। तो जहाँ पे ज़्यादा बारिश हो वो किसान भाइयों को मैं सलाह देना चाहूँगा कि ये PVC कोटेड जाली लगाओ। बार्ब्ड वायर किसी और कंपनी की थी जो 7 साल में सड़ गई, तो इसकी वजह से मुझे बार्ब्ड वायर अभी वापस A1 कंपनी की लगानी पड़ी। तो ये जो 1, 2 और 3 जो तार दिख रही है वो A1 फैंस की है, तो मैं तो प्रीफर करूँगा कि A1 फैंस का ही तार लगाना चाहिए, बार्ब्ड वायर हो चाहे जाली हो चाहे हनीकॉम जाली हो।